महू में सर्व रजक समाज के आराध्य देव संत गाड़गे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया वाहन रैली निकाल कर संत गाड़गे महाराज का अभिषेक किया। सर्व रजक समाज द्वारा बुधवार को संत गाड़गे महाराज की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। समाज बंधु समाज के मांगलिक भवन में संत गाड़गे जी के चित्र पर माल्यार्पण के बाद वाहन रैली के रूप में मुक्तिधाम परिसर पहुंचे। यहां पर संत गाड़गे की मूर्ति का अभिषेक किया गया। इसके बाद समाज बंधुओं ने दीप जलाए तथा माल्यार्पण किया। इस मौके पर बुंदेला समाज के अध्यक्ष शेखर बुंदेला ने संबोधित करते हुए कहा कि संत महाराज ने हमें कई नई शिक्षा दी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तथा समाज और राष्ट्र विकास में सहयोग करें। संत गाड़गे महाराज जैसा व्यक्तित्व हमारे समाज के लिए कोहिनूर हीरे जैसा है। इसके साथ ही परदेसी समाज के अध्यक्ष धनराज परदेसी ने संबोधित करते हुए कहा कि संत गाड़गे के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। वहीं अंबेडकर मेमोरियल के सचिव राजेश वानखेड़े ने कहा कि हर समाज बंधुओं को अपने घर में संत गाड़गे की प्रतिमा लगाना चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने। इस मौके पर समाज के बसंत सोलंकी, सुरेंद्र अरुण सोलंकी, टिम्पस परदेसी, बबला बाथम, मुकेश परदेसी सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। संत गाड़गे बाबा की 146वीं जयंती सर्व रजक एकता समिति द्वारा मनाई गई थी। बुंदेला रजक समाज भवन से समाज के सभी साथीगण एक साथ माल्यार्पण करने के लिए शमशान घाट में स्थित मूर्ति पर गए थे, जहाँ पर सभी ने संत गाड़गे बाबा के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा वरिष्ठों ने डॉक्टर अंबेडकर नगर में जो जन्मस्थली बनी है वो अंबेडकर जी भी संत गाड़गे बाबा के अनुयायी थे और उनके साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, इस कारण से उनको भी याद किया। इस अवसर पर राजेश वानखेड़े जो मेमोरियल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वो भी उपस्थित हुए थे और सभी साथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपका नाम बताएं? शेखर बुंदेला, मैं रजक बुंदेला समाज का महू का अध्यक्ष हूँ।